जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। स्टूडेंट्स, द टेल ऑफ द बिश्नोईज इस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। आज इस पार्ट के तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अमृता देवी ने अपने पुत्रियों सहित और खेजड़ली गांव के 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया और किस तरह से खेजड़ली गांव में आज भी वहां हरियाली रहती है, आज भी पेड़ों को नहीं काटा जाता है। इन सब के पीछे क्या कहानी रही, कैसे कहानी हुई, इस भाग की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अभय सिंह जो है अपने लोगों को जो है पेड़ काटने के लिए भेजता है, क्योंकि उसे चूने की भट्टी को जलाने के लिए, उसमें जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, जिससे कि चूने को पकाया जा सके और उसके महल का निर्माण किया जा सके। अब देखो, जब वो खेजड़ली गांव पहुंचते हैं सभी सैनिक और वहां क्या किस्सा होता है वो कहानी आगे हम देखते हैं। द एक्सेस वर रेस्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, कुलाड़िया उठी और पूरा के पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक्सेस कहते हैं कुलाड़ियों को, रेज यानी उठना। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डेसिक्रेटेड। यहाँ डेसिक्रेटेड जो वर्ड है, डेसिक्रेटेड वर्ड का मतलब होता है अपवित्र करना। यानी जो राजा के सैनिक थे, राजा के सैनिक जब पेड़ों को काटने शुरू हुए या उनके लिए तैयार हुए, तो वहाँ के लोगों ने कहा दियर रिलीजन बी नॉट डेसिक्रेटेड, यानी उनके धर्म को अपवित्र न किया जाए। दे बैग्ड, ऐसी उन्होंने याचना की। बैग का मतलब होता है याचना करना, किसी प्रकार की भीख मांगना इत्यादि। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट दियर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। दे प्लीडेड, प्लीड PLEAD, प्लीड का मतलब होता है आग्रह करना, यानी उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया। क्या निवेदन किया? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सुरक्षा के लिए। दैट दियर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर बोलते हैं पूर्वजों को, कि जो उनके पूर्वज हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस, कई पीढ़ियों से पालित पोषित करते आ रहे हैं। जिन पेड़ों को उनके पूर्वजों ने लंबे समय से पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी सुरक्षा की है, उनकी देखभाल की है, उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने उन सैनिकों से आग्रह किया। नर्चर, NURTUR, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, पोषण करना, पोषित करना। बट द दीवान वॉज डिटरमिन, दृढ़ निश्चय होना, लेकिन दीवान जो है बिल्कुल दृढ़ निश्चय था। द ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ों को निश्चित रूप से काटा जाना चाहिए। टू फ्यूल द लाइम किल्स, लाइम किल्स का मतलब होता है चूने की भट्टिया, जो चूना पकाने की भट्टिया थी, उनमें ईंधन के लिए पेड़ों को काटा जाना आवश्यक था। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उन्होंने अपने जो मजदूर थे, दीवान ने क्या कहा मजदूरों को, कि चलो आगे बढ़ो और इन पेड़ों को काटो। बट द विश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, इधर जो है अभय सिंह का दीवान दृढ़ निश्चय था उसे पेड़ों को काटना है, और इधर बिश्नोई जो है डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय टू वे भी, यानी बिश्नोई भी जो है दृढ़ निश्चय थे, किस बात के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए। एंड द मोस्ट डिटरमिन्ड, और उन सब में भी सबसे ज्यादा जो दृढ़ निश्चय थी अमोंग देम, उन सब में वॉज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। वेरिटेबल इनकारनेशन का मतलब होता है साक्षात स्वरूप, साक्षात अवतरण, साक्षात रूप, साक्षात स्वरूप किसका, दुर्गा का। किसको कहा गया है, अमृता देवी, ये नाम आ गया है। अमृता देवी बहुत प्रसिद्ध नाम है और राजस्थान में पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, वन संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में वो इसी की यादगार में दिया जाता है। तो वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, बिश्नोई रामखोड़ उसके पति का नाम था। तो दुर्गा का जो साक्षात स्वरूप थी अमृता देवी, वो भी दृढ़ निश्चय थी, उन सब से भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट,
अब वो क्या दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ती है, द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ निश्चित रूप से कभी भी नहीं काटे जाएंगे, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक कि आप पहले हमें नहीं काट देंगे। अब उसने क्या कह दिया कि यदि तुम्हें पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काट दीजिए, हमें काटने के बाद आप आराम से पेड़ों को काटना, आपको कोई मना नहीं करेगा। उसके कहने का यह अभिप्राय था कि अगर आप मैं प्राणों को भी न्यौछावर कर सकती हूँ इन पेड़ों को बचाने के लिए। सी सेड, उसने कहा, एंड कॉलिंग टू हर थ्री डॉटर्स, उसकी तीन पुत्रियाँ, यानी जो अमृता देवी थी, अमृता देवी की तीन बेटियाँ थी, उन तीनों बेटियों को भी उसने बुला दिया टू ज्वाइन हर, उसके साथ शामिल होने के लिए। दे क्लास्प्ड फोर ऑफ द ट्रीज, और वे चारों के चारों, चार कौन, अमृता देवी और तीन उनकी पुत्रियाँ, वे क्लास्प्ड यानी चिपक गई, अच्छी तरह से चिपक गई, फोर ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों में से चार पेड़ों से। द दीवान फ्यूम्ड, फ्यूम का मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल फोर ऑफ, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि वे चारों के चारों, दीवान ने आदेश दिया दैट ऑल फोर ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि वे चारों के चारों भी पेड़ों के साथ काट दी जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, और ज्यों ही दीवान का ऐसा आदेश हुआ, सैनिकों की कुलाड़ियाँ पेड़ों पर चली और वह बहादुर महिला टुकड़ों में काट दी गई। और ये बहादुर महिला किसके लिए, सबके लिए आ रहा है, जो चारों थी यानी अमृता देवी और उसके तीनों पुत्रियों को पेड़ों के साथ ही काट दिया गया। बट द विष्णुईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन विष्णुई डरने वाले भयभीत होने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड, और ज्यों ही ये घटना हुई उन चारों को मार दिया गया, तो मोर एंड मोर ऑफ देम, उनमें से और ज़्यादा लोग केम फॉरवर्ड, आगे आए टू हग द ट्रीज, पेड़ों से चिपकने के लिए। हग का मतलब होता है गले मिलना, चिपकना, एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ काटे जाने के लिए। जब इन चारों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया तो दूसरे जो लोग थे विष्णुई लोग, उन्होंने भी क्या किया, वो भी अलग अलग पेड़ों से जाके चिपक गए और तैयार हो गए उनको भी पेड़ों के साथ काट दिया जाए। द न्यूज ऑफ दिस मैस्कर स्प्रेड रैपिडली थाउजेंड ऑफ विष्णुई, द न्यूज ऑफ दिस मैस्कर, मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार या जनसंहार, क्या होता है नरसंहार, लोगों को मारा जाना बुरी तरह से। इस नरसंहार की, जनसंहार की जो समाचार है, स्प्रेड रैपिडली, तेजी से चारों तरफ फैले, एंड थाउजेंड ऑफ विष्णुईज, और हजारों की संख्या में विष्णुई रश्ड फ्रॉम दियर 84 सराउंडिंग विलेजेस, रश्ड दौड़े फ्रॉम दियर 84 सराउंडिंग विलेजेस, 84 आसपास के गांवों से, यानी जो ये खेजड़ली गांव था इसके आसपास 84 गांवों में जो विष्णुई रहते थे, वो सारे के सारे विष्णुई वहाँ तेज गति से आने, जल्दी जल्दी आने लगे टू हेल्प दियर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए। ऑल टुगेदर 363 विष्णुईज सेक्रीफाइस दियर लाइफ टू गार्ड दियर सेक्रेड हेरिटेज, सेक्रेड हेरिटेज का मतलब होता है पवित्र परंपरा या विरासत, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। तो 363 विष्णुई जो है उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया अपने पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, महाराजा के लोग हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, कि चीज या बात इस कदर बिगड़ सकती है, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, अब वास्तव में बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि विष्णुईज अपनी जो है प्राणों को न्यौछावर कर देंगे इन पेड़ों को बचाने के लिए। उन्होंने ये सोचा कि जो ही हम कुलाड़ी का वार करने जाएंगे पेड़ों पर तो विष्णुई अपना पीछे हट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सारे के सारे विष्णुई, इस तरह से 363 विष्णुई लोग जो है वो पेड़ों से चिपक चिपक कर पेड़ों के साथ कटते गए, और इस तरह से ये जो इसके महाराजा के आदमी थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। दे रस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह, दे रस्ट बैक टू जोधपुर, अब वे तुरंत कहाँ गए, जोधपुर की ओर दौड़े, किस कार्य के लिए, टू रिपोर्ट, इस बात की सूचना देने के लिए, हैपनिंग टू अभय सिंह, जो कुछ घटित हो रहा है, हैपनिंग का मतलब जो घटना घटित हो रही है उसकी सूचना देने के लिए कहाँ दौड़े, जोधपुर की ओर दौड़े। अभय सिंह saw clearly that the might, या might का मतलब होता है शक्ति या ताकत,
अभय सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा था कि द माइट शक्ति विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, जिसने कि औरंगजेब की शक्ति को चुनौती दी थी, कुड डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकी थी इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, इस प्रकार के नैतिक साहस के सामने। अभय सिंह की सेना ने, अभय सिंह के लोगों ने जो है औरंगजेब की सेना को चुनौती दी थी, लेकिन आज बिश्नोइयों का जो ये नैतिक साहस था, वो जो अच्छे कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे थे, उनके इस साहस के सामने आज अभय सिंह की सेना भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल निसहाय हो गई थी, बिल्कुल बेअसर हो गई थी। ही पर्सनली, उसके बाद में ज्यों ही अभय सिंह को सूचना मिली, ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मैंड मैटर्स। टू मैंड मैटर्स का मतलब होता है मामले को शांत करना, मामले को सुलझारा करना। तो ज्यों ही उसको सूचना मिली, वो तुरंत तीव्र गति से स्वयं ही उस मामले को शांत करने के लिए, मामले को ख़त्म करने के लिए खेजड़ली गांव की ओर गया। ही अश्योर्ड, और वहां जाके उसने मामले को कैसे शांत किया, ही अश्योर्ड द वीपिंग एग्नाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड बिश्नोईज। वीपिंग एग्नाइज्ड यानी रोती बिलखती, दुखी होती मास ऑफ भीड़, थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, हजारों बिश्नोइयों की, यानी जो अपने परिवार के सदस्य बड़े बूढ़े की मरने के कारण रो रहे थे, बिलख रहे थे और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, उनको जो है उन्होंने आश्वासन दिया। किसने? अभय सिंह ने। किस चीज़ का आश्वासन दिया? दैट की फ्रॉम नाउ ऑन, आज से लेकर, ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि वह पूरी तरह से उनके धर्म के सिद्धांतों का आदर करेगा। रिलीजियस प्रिंसिपल यानी धार्मिक सिद्धांत। किसके धार्मिक सिद्धांत? बिश्नोई समाज की। तो उसने ये वादा किया उनसे, अश्योर का मतलब वादा करना, आश्वासन देना। किसने आश्वासन दिया? अभय सिंह ने, कि आज के बाद वह पूरी तरह से बिश्नोई समाज के सिद्धांतों का बिल्कुल सम्मान करेगा। ए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्ड विद द प्रॉमिस वॉज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज। ए कॉपर प्लेट, एक तांबे की प्लेट जिसे ताम्रपत्र कहा जाता है, इंस्क्रिप्ड, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? विद द दिस प्रॉमिस, इस वादे की बातें, यानी ये जो वादा अभय सिंह ने किया था कि आज के बाद मैं बिश्नोई समाज के धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करूंगा, उनका आदर करूंगा, इसी बात को उसने एक तांबे की प्लेट पर गुदवाया और उसको प्रेजेंटेड यानी उपहार स्वरूप दिया टू द बिश्नोईज, बिश्नोइयों को। हैंसफोर्ड, तब से लेके द इंस्क्रिप्शन सेट, जिसमें ये लिखा हुआ था नो ग्रीन, अब ये जो ताम्रपत्र था उस पर क्या लाइन साफ साफ लिखी हुई थी, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, के आज के बाद कोई भी हरा पेड़ बिश्नोइयों के गांव के आसपास काटा नहीं जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हॉन्टेड इन दियर विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, और ना ही कोई भी जानवर इस क्षेत्र में मारा जाएगा। यानी अभय सिंह ने एक तांबे की प्लेट पर ये शब्द लिखा के दिए कि आज के बाद बिश्नोई के गांव के आसपास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी भी जानवर का शिकार किया जाएगा। इस तरह से बिश्नोइयों के बलिदान से प्रसन्न होकर, बिश्नोइयों के बलिदान से जो है प्रसन्न होकर, गर्वित होकर अभय सिंह ने उनको इस प्रकार का आश्वासन दिया। टू एंड ए हाफ सेंचुरी हैव पास्ड सिंस द एपिसोड, इस घटना को हुए टू एंड हाफ सेंचुरी, टू प्लस हाफ यानी कि 250 साल व्यतीत हो चुके हैं, 250 ढाई शताब्दी, 250 साल व्यतीत हो चुके हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई अब भी जो है पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, सकर का मतलब सहायता, और राजस्थान के जंगली जानवरों की लगातार सहायता कर रहे हैं। हरियाणा के एंड मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, यानी इस घटना को बीते हुए 250 साल हो चुके हैं, वहाँ से लेकर अब तक भी 250 साल और बीत चुके हैं, और बिश्नोई समाज के लोग आज भी जो है पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं, और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के जो जंगली जानवर है उनके प्राणों की रक्षा करने में हमेशा उनकी सहायता करते हैं। एवरीवेयर एल्स, बाकी दूसरी जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का हरियाली आच्छादित क्षेत्र, ग्रीन कवर यानी हरित आच्छादित क्षेत्र, हैज़ बीन रेवेज्ड, रेवेज्ड यानी समाप्त हो चुका है, नष्ट किया जा चुका है।
एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और लगातार नष्ट किया जा रहा है एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस। एक्सेलरेटिंग पेस का मतलब लगातार बढ़ती हुई गति से, यानी इस खेजड़ली गांव या इसके आसपास के गांव को छोड़कर अगर भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में देखें तो हरियाली लगातार कम होती जा रही है और लोग अंधाधुंध तरीके से पेड़ पौधों को काट रहे हैं। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक, हजारों की संख्या में कृष्ण मृग दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स, जो किसी समय भारतीय मैदानों में आराम से विचरण करते थे, हैव ऑल वैनिश्ड विदाउट ए ट्रेस, वो सारे के सारे बिना किसी चिन्हों के नष्ट कर दिए गए, उनका एक चिन्ह भी नहीं बचा है, सारे के सारे कृष्ण मृग समाप्त हो चुके हैं। बट लेकिन नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस, लेकिन कुछ विश्नोई गांवों के आसपास द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, ये हरियाली अभी भी विद्यमान नहीं है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि साथ ही साथ बढ़ भी रही है। यानी विश्नोई समाज के या विश्नोई जहाँ भी रहते हैं उनके जो गांव हैं उन गांवों में न केवल हरियाली का क्षेत्र बना हुआ है बल्कि लगातार बढ़ भी रहा है। एंड अराउंड दियर विलेजेस द ब्लैक बक्स, और उनके गांवों के आसपास कृष्ण मृग रोम आराम से घूमते हैं एज फ्रीली, उसी स्वतंत्रता से एज इन कालिदासास टाइम, जैसे कि कालिदास के समय में नियर द आश्रम ऑफ शेष कन्वा, कण्व ऋषि के आश्रम के पास। यहाँ एक उदाहरण दिया है राइटर ने कि जिस तरह से कण्व ऋषि के आश्रम के पास हिरण और सिंह एक साथ पानी पीते थे, ऐसा कहते हैं कि कण्व ऋषि का जो प्रताप था या उनका जो तप था, उस तप के बल पर आसपास के जो प्राणी हैं हिंसा भूल जाते थे। तो ठीक वैसे के वैसे विश्नोई समाज के आसपास, विश्नोई समाज के जो गाँव हैं जहाँ ज़्यादातर इनकी आबादी रहती है, उन गाँवों के आसपास कृष्ण मृग आज भी बड़े ही शांति से विचरण करते रहते हैं। उनको ये बड़ी सुकून है, बड़ी शांति है कि उनको कोई भी नहीं मारेगा। अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर विश्नोई टेम्पल्स दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग सीन फ्रॉम सतयुगा। अकबर वॉज सो अमेज्ड, अकबर जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ टू सी दीज हर्ड्स ऑफ, इन झुंडों को देखकर। हर्ड का मतलब होता है झुंड, किसके झुंडों को, फियरलेस ब्लैक बक्स, भयहीन कृष्ण मृग के झुंडों को नियर विश्नोई टेम्पल्स, विश्नोई मंदिरों के पास, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, कि उसने इस बात को व्यक्तिगत रूप से नोटिस किया, इज वंडर एट विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुगा, जैसे कि ये सतयुग का कोई समय हो। सतयुग के बारे में देखो यहाँ बताया है द एज ऑफ ट्रुथ, सतयुग कैसे कहते हैं, सत्य का युग। इन दिस कलयुगा द करप्ट प्रेजेंट, इस कलयुग में जिस तरह से भ्रष्टाचार विद्यमान है। दिस साइट, तो इस तरह से यहाँ लेखिका बता रही है कि विश्नोई समाज के लोगों ने हरे पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और आज भी उन पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं, और साथ ही जो कृष्ण मृग उनके गाँवों के आसपास रहते हैं वो आज भी बड़े ही आराम से अपना जीवन यापन, बड़े ही आराम से रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। द साइट इज इवन मोर अस्टोनिशिंग फॉर अस टूडे देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर फोर सेंचुरीज एगो। अब उस समय की और आज के समय की तुलना करते हुए लेखक क्या कह रहा है, द साइट इज इवन मोर अस्टोनिश, ये जो दृश्य है आज और ज़्यादा चौंका देने वाला है फॉर अस, हमारे लिए टूडे इस समय, देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर, जैसा कि अकबर के समय था, यानी अकबर को जितना इस दृश्य ने चौंकाया था उससे भी ज़्यादा ये दृश्य आज हमें चौंका रहा है। फॉर द विश्नोई कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दियर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, ऑब्सेशन का मतलब होता है सम्मोह, विचार, मोह। तो फॉर, क्योंकि द विश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, विश्नोई आज भी इस बात को जारी रखे हुए हैं, धारण किए हुए हैं, टू दियर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, उनके जादुई सम्मोह को, टू दिस डे, इस दिन, एट द विलेज खेजड़ली वेयर द विश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव में, वेयर द विश्नोईज पास्ट, जहाँ विश्नोइयों ने उत्तीर्ण की द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर,
उच्चतम अग्नि परीक्षा को, यानी ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी विष्णुओं के लिए कि किस तरह से अपने प्राणों को गंवा कर उन्होंने पेड़ों की रक्षा की। देयर इज वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, वहाँ आज भी एक प्राचीन खेजड़ी ट्री बचा, खेजड़ी का पेड़ बचा हुआ है, विच स्केप्ड दैट मैसेकर, जो कि इस नरसंहार के बीच में बच गया था। यानी उस दिन जब 363 विष्णुओं को पेड़ों के साथ काटा गया था, उसमें एक पेड़ खेजड़ी का जो बच गया था उसके बारे में बता रहे हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, द विष्णुई प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट, 2 साल पहले विष्णुइयों ने इन पेड़ों के आसपास 363 और पेड़ उगाए। इन मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टिर्स, उनके 363 योद्धाओं की यादगार में, यानी विष्णुइयों ने जो पेड़ बचा हुआ उस पेड़ों के इर्द गिर्द जो है 363 और पेड़ों को उगाया, उन 363 लोगों की यादगार में जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़, बींग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, उनको बड़े ही प्यार से पालित पोषित किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और वे बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देर इज ए रिलीजियस फेयर, प्रतिवर्ष यहाँ एक धार्मिक मेला लगता है। एट दिस स्पॉट, इस स्थान पर, 5 days बिफोर द फुल मून, फुल मून का मतलब क्या होता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा से 5 दिन पहले, और पूर्णिमा कौन सी, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 5 दिन पहले यहाँ एक धार्मिक मेला लगता है। कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव में, खेजड़ली गांव में, कहाँ, जहाँ पर 363 लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था और जहाँ पर 363 पौधों को, पेड़ों को नया लगाया गया है। इट इज़ एन ओकेजन, ये एक ऐसा उत्सव है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस, जिसको कि प्रत्येक वृक्ष प्रेमी जो भारत का है उसको देखना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन इज लाइफ टाइम, कम से कम अपने जीवन में एक बार। यानी भारत के उस प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को इस स्थान को कम से कम एक बार देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से द टेल ऑफ द विष्णुई, इस पाठ में जो है विष्णुई समाज के सिद्धांतों के बारे में, विष्णुई समाज की उत्पत्ति के बारे में, और खेजड़ली गांव में जो 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर पेड़ पौधों की रक्षा की थी, उनके बारे में, अमृता देवी के बारे में पूरा परिचय दिया गया है। और इस पाठ को पढ़ के आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में वृक्षों का कितना महत्व है, किस तरह से विष्णुई समाज के लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और इस तरह से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वृक्ष जो है हमारे जीवन से भी ज़्यादा कीमती है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में आपको जो है आपके असाइनमेंट में निर्देश दे दिया जाएगा, उसी के अनुसार इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। इस पाठ का, आज का वीडियो देखने से पहले आप पुराने जो 2 वीडियो हैं इस पाठ के, उनको भी ज़रूर देखें, ताकि तीनों वीडियो एक साथ जब देखेंगे तो आपको पूरा पाठ पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।